ये क्या लिख रहा है आप, पढ़े लिखे हो? यादव। यादव अखिलेश यादव कौन है? यादव है। हैं? यादव है। हम कौन है? यादव हो। यादव है, फिर भी मोदी को वोट दे रहे हैं हम। क्यों देते हो फिर मोदी को? मोदी सॉलिड है ना, मोदी के जब से मोदी और योगी आए हैं ना, झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा ही नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार योगी चले जाएंगे मठ में गोरखपुर। जो योगी चले जाए ना, फांसी खा के मर जाऊंगा। अगर गुंडे के साथ ये कर रहा है तो योगी एक नंबर का फर्स्ट आदमी है। पूरे देश में ऐसा कोई भी योगी बन ऐसा मंत्री नहीं आया। अच्छा, योगी जैसा पूरे देश में कोई पूरे देश में मंत्री नहीं आया। इतनी हिम्मत है तो क्यों ये लल्लू पंचू क्यों ये हो रहे हैं? अगर इतनी हिम्मत, अकेला लड़का दिखा देना, अकेला लड़का दिखा देना। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रफीकुल इस्लाम। तो वो जो आपका जो घर बुलडोजर से या जैसे ही वो तहस नहस किया, क्यों किया? उसका कोई कारण तो होगा ना, कोई कारण सरकार ने दिया है ना तुम्हें? मैं बताऊंगा अभी। तुम साइड में कुछ चलो, मैं तुम्हें दो छाटे मार दूंगा, ठीक है? तुम मुझ में आके गोली मार देना, लेकिन तुम्हारी गोली दिखाई नहीं देगी, मेरे छाटे दिखाई दे जाएंगे। ये है और क्या है? मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार गोली मार रही है लोग? अरे भैया, गोली मार रही है और क्या कर रही है? है इससे बड़ी क्या गोली मारेगी? तो होली खेल रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं, तुम भी नहीं बोलोगे। मतलब भाई नहीं, अतिक्रमण तो किया होगा ना आपने? अरे हम बता तो रहे, अतिक्रमण किया था कि नहीं? तुम तो आगे की बातें बनाओगे जो हम जानते नहीं। क्या भाई, यहाँ पे बेवजह में बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में? कहीं नहीं। ये कह रहे हैं कि मेरे घर पे बुलडोजर चल गया, क्या आपके घर पे बुलडोजर नहीं चला जी? ये तो कह रहे हैं कि सरकार तो बुलडोजर चला रही है बस खाली। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो किन के घर पे बुलडोजर चल रहा है? जिसका नाजायज कब्जा है उसी पे ही चल रहा है, हमारे पे तो बिल्कुल नहीं चला। आपके आस पड़ोस में किसी मोहल्ले में कोई चला बुलडोजर? कोई नहीं बुलडोजर चला, हमारे तो अड़ोस पड़ोस में कहीं भी नहीं चला। कानून का राज चल रहा है, कानून राज चल रहा है मेरे भाई। अरे बुलडोजर का राज? नहीं नहीं, ये इनका कोई कहने का नहीं है। इन्हें तो सरकारी जमीन घेर ली, अब वो तोड़ना तो पड़ेगा ही भाई मेरे। कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि लोगों को बर्बाद करो, कांग्रेस कह रही है लोगों को आबाद करो। ना भाजपा सही काम कर रही है, हाँ। अब योगी बढ़िया नहीं कर रहा, सही काम कर रहे हैं प्यारे प्यारे योगी जी। प्यारे योगी जी, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद प्यारे योगी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे घर डाल दिया यार तुम। प्यारे प्यारे योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं सर। प्यारे कैसे हैं योगी? अरे भैया नो समझो काई, कितने कितने काम ने गिनू? अरे कोई पांच काम बता दो, क्या काम भैया? मतलब बेगिनती काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। कानून का राज चल रहा है, जमीन जिन्होंने घेर रखी है सरकारी बात, तो घेर भैया छुड़ाना ही पड़ेगा। देखना रे तुम कितनी जमीन घेर रखी है जनता ने जी। तो ये बताइए, आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे कुत्ते के दुम की तरह है, जो कभी सीधे नहीं। हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे भैया। कई जमाने में ना माने मुलायम सिंह जी पाल रखे उन्होंने कुत्ते। अच्छा। हाँ बहुत सारे हाँ पाल रखे, बहुत बड़े बांदा जेल में ना मरे एक जी, हाँ कितने उन्होंने कई दर्जन गाड़ी चले रही उनकी 786 की कई जमाने में। तो चाचा एक बात बताओ, अभी अभी विधानसभा के चुनाव है चाचा, हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो, हाँ, अभी उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, हाँ, तो योगी जी उसमें 10 सीटों पे जीत जाए? सगरी सीट बीजेपी की आंगी, कह रहे हैं कि सारी सीट आ जाए। चलो चलो चलो, अब तुमने मायक ना हटाया ना, ना हटाया ना, जिसके दर्द होता है समझे उसे ही पता है ना। आपका घर क्यों ढाया? किसका? मोहम्मद जी। हाँ जी, आप कह रहे, एक बार और बोलो मोहम्मद जी। मोहम्मद जी आपका घर घर कैसे आए ना? अब आगे ना लाइन पे। अरे मुझे लाइन पे लाके तुम क्या करोगे भाई? भाई तुम अपना घर अलग अच्छी अच्छी जगह पे बनाते तो वो टूटता ही ना। अरे हमारी भी सुन लो, अच्छी जगह, अच्छी जगह कौन सी होती है? जो जगह घेरी हुई, जिस जगह में हम रह रहे हैं 20 साल से 30 साल से, वो जगह हमारी नहीं है। हैं तुम्हारे पास कागज थे आप इसके? जो जिस जगह में आदमी 50 साल से 60 साल से 100 साल से रह रहा है, उसके दादा वहाँ, दादा के दादा वहाँ, फिर चाचा वहाँ, उसके बाद में जो है का मतलब, फिर उसे कह रहे हैं ये नाजायज है। तो कोई फर्क तो होगी ना, जो करो वो कोई कोई फर्क तो होगा। होल्ड करो, हमारी भी तो सुन लो, जो तुम करोगे वो जायज और जो हम कर रहे हैं वो नाजायज, तुम्हारी मारी हलाल, ऐसा हो जाएगा? क्योंकि तुम जितने न्यूज वाले हो सारे के सारे खरीद रखे हो, तुम एक ही भाषा बोलोगे, बाबा जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद।
अच्छा समझे। तुमको किसने खरीदा है? किसको? तुमको। लूज वालों ने, अखिलेश ने खरीदा। अरे लूज वालों ने। तुम योगी का बुराई कर रहे हो? कहीं नहीं बुराई नहीं कर रहे। पहले बात सुनो, सुनो, एक मिनट होल्ड करो, तमीजी मत कर, एक मिनट। लूज वाले ने आपको पैसे दिए हैं? एक मिनट होल्ड करो। फिर क्यों खरीदा? अरे भैया सुनेगा पहले ये बताओ, क्या क्या उत्तर प्रदेश में बिना वजह के बुलडोजर चल रहा है? नहीं ऐसा तो मेरे घर पे बुलडोजर तरीके से बोले ना, कैसे बुलडोजर चल रहा है ना? चल रहा है, चल रहे हैं। चल रहे होते तो घर पे बुलडोजर चला दिया बिना। हमारे घर पे तो नहीं चल रहे, हमारे घर पे कहाँ चल रहे अंकल जी? हमारे तो घर बिल्कुल सही है, हम किराए पे रह रहे हैं, मतलब अपना है। पहले किराए पे रह रहे थे, मोदी के हिसाब से हमारा अपना हो गया। 2.5 लाख रुपए उसने लोन का दिया था, उससे हमने अपना मकान बना लिया और अब सुख शांति से रह रहे हैं। बुलडोजर किसके घर पे चल रहे हैं? बुलडोजर जिन्होंने नाजायज जो हाँ हाँ जिन्होंने जमीन कब्जा रखी है, सरकारी जगह तुम उन पे घर बना रहे हो, झोपड़ी बना रहे हो, तो तुम सरकारी थोड़ी ना गलती है। सरकार बढ़िया कर रही है जो खाली जमीन है और क्या, बिल्कुल सही करा रही है। वहाँ पे अपना और भी काम होगा, ये देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे मॉल वॉल बनेंगे अब थोड़े साल बाद। ये कह रहे हैं बुलडोजर रात रात चल रहा है। नहीं मैं इनके पूछ रहा हूँ कि इनके घर पे बुलडोजर चला क्या? चला ना, कहाँ चल गया, क्यों चला? चला मैं पूछ रहा हूँ ना इनसे। बंगला देखी है, अवैध घर है क्या? घर अवैध है? अगर अवैध हो गया तो चला होगा। तुमने तुमने देखा जाके? कागज अगर अवैध है देखा तो बुलडोजर क्यों चला? हमारे घर के कागज है भाई, मेरे घर के हैं, मेरे तो नहीं चला, मेरे घर पे तो नहीं चला। इनके घर पे क्यों चला बुलडोजर? अब यही बताएं ये कहाँ के हैं, कौन है, कागज लाए अपने? बुलडोजर उत्तर प्रदेश में नाजायज चल रहा है या बिल्कुल जायज चल रहा है? नहीं नाजायज किसके चल गया? एक आदमी ले आओ जो नाजायज, क्या पता वो आदमी नाजायज हो। ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता भाई, आदमी के ही कागज ना हो जी, हैं उसके ही कागज पर्ची हो जी। आज आज योगी आदित्यनाथ भाई, आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे कुत्ते की दुम की तरह जो कभी सीधे नहीं होंगे। सही बात है, गुंडे कुत्ते की तरह सीधे नहीं होंगे, तो भाई कुछ कॉन्फिडेंस होगा है? तो समाजवादी पार्टी अगर गुंडा नहीं है तो उन्हें विरोध करना चाहिए जी, अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहिए कि हम भाई गुंडे नहीं है, कुत्ते भी नहीं है, हैं? तो समाजवादी पार्टी का क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया ये रही कि कुछ रोज पहले अखिलेश जी ने ये बोल दिया था कि मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा ऐसा भी बोले, तो मतलब क्या है कि जितना माफिया है वो सब मठाधीश बाबा ही है, ऐसा ही बोलना चाह रहे होंगे वो कुछ है? तो शायद अखिलेश जी को इलाज कराना चाहिए। किस चीज़ का भाई? दिमाग का ही कराना चाहिए, मुंह का कराना चाहिए। क्या लगता है उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का जम के फाइट होना है, क्या लगता है उसमें आपको? भाई फाइट तो होनी है कि कहीं ना कहीं देखो योगी जी का एक बहुमत है, उनकी सरकार है, तो सरकार विरोधी कुछ लहर तो होती है। दूसरी चीज ये है कि सभी पार्टियां इकट्ठी जैसे हो गई पीछे, तो उसमें अयोध्या जैसी सीट भी हारे, तो देखो रिजल्ट के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ क्योंकि पब्लिक की गिनती कौन कर सकता है? सर मेरा आपसे भी वही सवाल है कि आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इन दिनों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बड़ा तीखा जुबानी जंग चल रहा है। एक बार वो कुछ बोलते हैं फिर वो कुछ बोलते हैं, ये जुबानी जंग का क्या राज है, इसके पीछे क्या दोनों नेताओं की मंशा? दोनों का वोट बैंक अलग है, दोनों की सियासी पकड़ अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है। एक चोरी करा रहा है, एक चोरों को पकड़ रहा। अच्छा। तो जुबानी जंग तो होगी उनमें जी। पहले कोई कितनी छीना झपटी होती थी जी। सब जाता था, ऊपर तक जाता था, अब वो टोटल बंद हो गया जी। तो जो लेता था उसे तो बुरा लगेगा, लगेगा सर। पहले इतने कांड होते थे, कोई तो उनका आकत होता होगा जी। अब तो बुरा लगेगा उन्हें जी। योगी ने सब बंद कर दिया, किसी को तो बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। तो दोनों में टोटल अंतर है, दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। एक लड़कियों को बचाता है, एक लड़कियों के साथ गलत काम करा, कहते गलती तो हो ही जाती, क्या हो गया? बच्चे तो दोनों गलती अंतर है जी। दूसरे एक किसी विशेष एक को फायदा देता, योगी कहता है मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान जो एक छोड़ दे रहा हूँ सबको देता हूँ, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। उसने कोई भी एक ही स्कीम ऐसी नहीं रखी जिसमें हिंदू या मुसलमान का अंतर हो। उन्होंने कर दिया ये उसको मिलेगी, नहीं ये इसको मिलेगी, ये उसको मिलेगी।
तो दोनों की सोच में अंतर है, वो तो भेदभाव रहेगा इसमें, उनमें वार प्रतिवार तो होगा। लेकिन सर योग आप कह रहे हैं कि कोई भेदभाव योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं किया, वो हमने भी जमीन पे देखा, हम घूमते हैं रोज, चाहे वो घर हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी कोई योजना हो, बराबर का सबको लाभ मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ पे तमका तो यही लगता है कि भाई धब्बा तो उन पर यही कि बस हिंदुओं के लिए ज़्यादा करते हैं। बताए दोनों की सोच अलग, जो एक विशेष वोट लेना चाहती है वो तो कोई तो उस पर तमका लगाएगा कि उसके लिए कर रहे हैं, उससे पूछे कि एग्जाम्पल तो बताओ ना, उसे एग्जाम्पल पूछो कि कौन सी स्कीम ऐसी है, कौन सी स्कीम ऐसी है जो योगी ने विशेष किसी एक संप्रदाय को दी हो, एक भी बता दो, उससे कोई एक भी स्कीम बता दो कि ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए है। अभी जो भी स्कीम जो जो योगी जी को बदनाम करते, अगर उसका डाटा उठा के देखो तो जिस कह रहे ना उनको ही ज़्यादा फायदा हुआ होगा, जिनको जिनके कहते हैं ना कि योगी उनके खिलाफ है, आप रिकॉर्ड निकाल लो, टोटल उनको ज़्यादा फायदा हुआ होगा, वो तो बदनाम करने वाली बात है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और कुत्ते की दुम एक जैसी है जो कभी सीधी नहीं होगी। नहीं कुत्ता तो खैर मैं नहीं कह सकता, वो पावर उन्हें है, मगर हाँ यह है कि वो कभी सुधरने वाले नहीं है, ये तो पक्का जी। सोच वही है कि हम नहीं सुधरेंगे जी। कुत्ता तो खैर मैं नहीं कहूँगा, योगी जी ने कह दिया वो टक्कर के उनके वो कह सकते हैं, हमारी सोच वही है कि हम नहीं सुधरेंगे। इससे कुछ रोज पहले अखिलेश यादव ने एक बात ये बोली थी कि मठाधीश में और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। हाँ तो वो उसी वोट बैंक को खुश करने के लिए, मठ का क्या मतलब होता जी। मठ का मतलब मजार थोड़ा ही होती या गिरजाघर थोड़ा ही होता, मठ का मतलब हिंदू, हिंदू जहाँ 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 हिंदुओं का संत बैठता है, मठ का मतलब ये थोड़ा ही है कि मतलब मैं जूती लगा के बैठ गया तो मेरा ये मठ माना जाएगा, मठ का मतलब जो हिंदुओं का जो भी मतलब आचार्य जो भी होता है मठ वो माना जाता है, तो एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए बोला है कि देखो मैंने तुम्हारे जो दुश्मनों ने कितना गला कह दिया मैंने, एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बोलते हैं बस ये। आज नहीं कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना वही बात है कि वो हाँ वो वही करते हैं ना कि मतलब एक का फेवर करो एक पे लाठी बजाओ, तो बंटवारे वाली भावना आ जाती है आदमी में कि ये एक का फेवर करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके सर। पिछले आठ सालों में युवाओं से लेकर भ्रष्टाचार तक, सड़क से लेकर संसद तक योगी सरकार ने क्या काम किया जो आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई कोई दिखाई दी। देखो पहले ये था कि आप कोई भी सोने की चैन कोई भी गहना पहन कर नहीं जा सकते थे, अगर आपकी बाइक भी कार भी बाहर खड़ी होगी घर के तो क्योंकि बैटरी चोरी हो जाती थी, वो सवारी ही चोरी हो जाती थी, पहिया चोरी हो जाता। अब वो क्या अब वो जो चुराते थे अब वो कह रहे योगी जी हमें बचा लो, हमें कोई चोर ना चुरा ले, पुलिस चुरा के ना ले जा, ये अंतर हो गया। हाँ तो सर क्या लगता है अभी जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी उसने 37 सीटें लोकसभा में पाई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 33 सीटें योगी जी ने पाई, तो योगी जी मेहनत कर रहे हैं, वो दोनों नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल है। अखिलेश जी के सामने सवाल ये कि जो अभी वोट मिला वो कोई तुक्का नहीं था, वो वाकई में पीडीए का हिस्सा था, और योगी जी का इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि उनका जो वोट खोया वो उसको बराबर में लाने के लिए इतनी हिम्मत है, तो क्यों ये लल्लू पंचू क्यों एक हो रहे हैं, अगर इतनी अकेला लड़का दिखा देना, अकेला लड़का दिखा देना, लड़का दिखा दे, क्यों सारे लल्लू पंचू एक हो रहे हैं, हिम्मत है लड़का दिखा दे, मोदी जी दम नहीं है, अरे कुछ नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम में बांट के मुसलमानों को वोट लेना चाहता है छुट्टी बस, नहीं तो अकेला लड़का दिखा दे, क्यों नहीं लिया अभी तक सीट। राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर योगी आदित्यनाथ पे भारी है, दोनों पप्पू गप्पू हैं, एक पप्पू एक गप्पू दोनों पब्लिक को, दोनों के भावनात्मक मुद्दे पे करके वो वोट लेना चाहते हैं, दोनों लुल है, कोई नॉलेज नहीं दोनों को भाई साहब। लेकिन ये भाई साहब ने मुझे मोहम्मद जी हैं ये, और मोहम्मद भाई साहब एक मैं आपको दूंगा ना यार, ये मोहम्मद जी हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा जहाँ पे मेरे दादा रहे जहाँ पे मेरे पिताजी रहे मेरा घर ढा दिया गया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया, और घर आदमी जिंदगी में आप जानते हैं कैसे बनता है, तो मोहम्मद जी का दर्द भी तो सुनना चाहिए ना। दर्द देखो ये है उसमें, देखो मोहम्मद जी से पूछ लो क्या इनकी एक्चुअल जमीन थी। मोहम्मद जी मैं आपसे दूसरी बार पूछ रहा हूँ जी, आपकी एक्चुअल जमीन आपकी वास्तव में वो जमीन कितनी बार बताना पड़ेगा, आपके पास उसकी कोई फर्द कोई डॉक्यूमेंट है उसका? मैं बता तो रहा हूँ जहाँ हमारे दादा रहे, दादा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं? हाँ नहीं है, कागज नहीं दिखाएंगे बस, राम राम, कागज नहीं दिखाएंगे ये। राम 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 सर जी का जवाब, आज की डेट में मोदी जी योगी जी ने एक जवाब भी किया है, जिसके पास कागज नहीं होंगे बिल्डोजर चल जाएगी, तो ये बढ़िया है, टॉप है यार, कागज है तो हमारे घर पे तुम कब्जे कर लोगे, हम कैसे दे देंगे अपना घर,
बताओ। अरे एक चीज का जवाब दे दो, इतने भाई खड़े मुजफ्फरनगर में जाट और गुजरों का हीरो का झगड़ा हुआ था मोमडन सु, ठीक है, जाट गुजर मर गए नहर में फेंक दिए गए, मोमडन को सुनो 20 लाख रुपए मिले, अखिलेश यादव ने दिए, ये क्या लिख रहा है आप पढ़े लिखे हो, यादव अखिलेश यादव कौन है, यादव है, यादव है, हम कौन है, यादव है, फिर भी मोदी को वोट दे रहे हैं हम, देते हो फिर मोदी को, मोदी सोलिड है ना, मोदी के जब से मोदी और योगी आए हैं ना झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा ही नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर में झगड़ा ही नहीं हुआ, उतना सु कोई झगड़ा नहीं हुआ, अखिलेश यादव आ गई कावड़ ला रे, मर गई यू बिरादरी का, पता नहीं कौन सी बिरादरी का क्या, अरे मोमडन मर गया, इसे 20 लाख रुपए दो, सरकारी नौकरी दो, क्या मतलब पड़ रहा, अखिलेश यादव जब मुसलमान को कुछ होता था तो उसको पैसे बांटते, देता है खुलेआम, नहीं दिया उसे, और मोदी योगी ने बताओ, तुम रिपोर्टर हो एक बार का जवाब दे दो, मोदी योगी ने किसे दिया, कहाँ झगड़ा हुआ, कौन से बिरादरी में, कौन से देश में, कौन से क्षेत्र में झगड़ा हुआ बताओ, ऐसे जो जाट गुज्जर कटे ऐसे कटे हुए दिखाओ, भाजपा की सरकार में कोई मार काट, झगड़ा बताओ ना, आप आपकी भी तो नॉलेज में होगा, कोई उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा मैंने नहीं देखा, तो होगा ही नहीं, सरकार ही ऐसी है, लाठी मजबूत है। अच्छा योगी आदित्यनाथ का जो पीला पंजा चलता है, जो बुलडोजर चलता है, उसे कुछ लोग कहते हैं भाई बुलडोजर बड़ी गलत चीज है, बुलडोजर गलत है क्या, क्यों गलत है, क्यों गलत है? आप गलत हो, जब भी तो बिल्डोजर चला रहा है वो, क्यों चलाएगा वो, आप गलत नहीं होंगे तो क्यों लाएगा वो बिल्डोजर, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्डोजर लाने की, आप गलत हो गए तो सोवेर आपके ऊपर चलाएगा, जैसे अखिलेश यादव बिरादरी का होकर मुजफ्फरनगर में जब जाट गुजर की लड़ाई हुई थी, मेरे भाई है जाट गुजर की जब लड़ाई हुई थी ना, 20 लाख रुपए की उन्हें नौकरी दी थी सरकार, हाँ 20 लाख रुपए का चेक दिया, सरकारी नौकरी क्या दिया, जाट गुजर मर गए क्या दिया उन्हें, बताओ क्या दिया, 1-1 लाख रुपए दे दिए, क्या है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की तो उनके धोरे एक झोटी बन जाती है, भैंस की झोटी बन जा, भैंस की बन जा झोटी, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी, योगी और मोदी सोलिड है, सोलिड रहेंगे, उनके जैसा कोई नेता बन ही नहीं सकता। अरे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार योगी चले जाएंगे मठ में गोरखपुर, योगी चले जाए ना फांसी खा के मर जाऊंगा, यादव जी चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज है, हाथ मिला के जो योगी चले गए, नंबर ले लो, नंबर दे के जा रहा हूँ, योगी नहीं आ रहे, नंबर दे के जा रहा हूँ, नंबर में बाद में लूंगा, मतलब योगी नहीं आ रही, योगी का मतलब ही नहीं हार जाए यार, अखिलेश का क्या होगा, अखिलेश का क्या, अखिलेश का ये होगा, योगी मोदी सु हाथ जोड़ेगा, जैसे वो केजरीवाल बना दिल्ली का, जेल भेज दिया, वो जेल भेज दिया दो नंबर में, ऐसे इनका हाल होगा भाई साहब, कह रहे हैं कि दो नंबर में अखिलेश यादव भी आने वाले समय में जेल में जा सकते हैं, नहीं बिल्कुल, इनसे कहानी पूछ लो, इन्हें पता नहीं, मुझे पता, ये कह रहे हैं कि ऐसे अखिलेश के साथ भी हो सकता है जो केजरीवाल, जो भी गलत हैं और गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, बिल्डोजर भी चलेगा, अन्य धारा भी लगाई जाएंगी, जेल भी भेजा जाएगा, और नहीं मानेंगे तो ऊपर सीधा एनकाउंटर, गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है सरकार में, उत्तर प्रदेश में तो खासकर, बिल्कुल बिल्कुल, योगी बाबा ने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था, गुंडे या सुधर जाए या गौशाला में आके गोबर डालें, योगी जी ने कह दिया था कि गुंडे या तो गुंडागर्दी छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, बढ़िया है, तो उनने तो सत्य कही, अच्छी बात कही, नाम है आपका, मोहम्मद जमील भाई आप तो तारीफ कर रहे हो, अरे तो तारीफ लायक बंदा होगा तो तारीफ ही करी जाएगी, योगी तारीफ के लायक बिल्कुल है, क्या दिया तुम्हें, मुझे का मुंह दे रहा हूँ मैं, कह रहे मुझसे मुंह ले रहा हूँ, मगर जो हक की बात हो तो कह देना चाहिए आदमी को, योगी आदमी बुरा करने वाला बंदा है, अगर उसके साथ बुरा हो रहा है तो सत्य बढ़िया हो रहा है, तो मतलब योगी बढ़िया कर रहे हैं, नहीं अगर गुंडे के साथ ये कर रहा है तो योगी एक नंबर का फर्स्ट आदमी है, पूरे देश में ऐसा कोई भी योगी बंदा, ऐसा मंत्री नहीं आया, अच्छा योगी जैसा पूरे देश में कोई, पूरे देश में मंत्री नहीं आया, मोदी भी फेल कर दिए योगी ने, मोदी कुछ भी नहीं है उसके आगे कुछ भी नहीं, अगर गुंडे राज को वो खत्म कर रहा है तो मैं हमेशा उसको सलूट मारता हूँ, ये बताओ अभी आने वाले समय में योगी की सरकार बनेगी, ये नहीं पता है, मगर जो सच थी हकीकत थी वो मैंने बता दिया, अब वो सरकार बने या ना बने उससे मुझे मतलब नहीं, अखिलेश से बढ़िया है योगी या थोड़ा नहीं, 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 मैं ये भी नहीं कह सकता, पता नहीं अखिलेश उससे बढ़िया काम कर ले, अच्छा हाँ मैं इस बात को नहीं कह सकता, ये तो राजनीति वाला काम है भाई, लेकिन तारीफ आप योगी जी के काम की कर रहे हैं, मैं काम को कर रहा हूँ उसके, काम को सलाम है, बिल्कुल सलूट है उनको भी,
और उनके काम को भी सलूट, उसको भी सलूट है भाई। जैसा नेता पूरे भारत में नहीं हुआ ही नहीं, सफेती आ गई भाई, मैंने देखा ही ना, सफेती आ गई देखा ही ना। देखो जो बात है सच है जमील भाई, एक थोड़ा मैं ये थोड़ा, इतने सारे भाई बंधु खड़े हैं, एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ मुसलमानों की तरफ ज्यादा बुलडोजर स्पीड से चलाते हैं? नहीं 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 ऐसा नहीं, जो गलत है उसके ऊपर चला रहा तो बिल्कुल 100% सही चला रहा, या हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो गलत कर रहा है, अगर उस पर वो कंट्रोल कर रहा है तो भाई जी बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है उसका, 100% बढ़िया काम है। जमील भाई की तारीफ, गालियां भैया, बदलता उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, जमील भाई भी तारीफ कर रहे हैं। आपने सत्य बोला, मैं कह रहा हूँ बदलता उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, जमील भाई की तारीफ कर रहे हैं। देखो अच्छे को हर कोई अच्छा कहेगा, अच्छे को हर कोई अच्छा कहेगा, योगी बाबा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई चाहता, सबसे पहला मुद्दा होता है सुरक्षा मुद्दा, जब हम सुरक्षित हैं जब आए कुछ भविष्य में कर पाएंगे, अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे तो सुरक्षित ही नहीं होंगे कुछ नहीं, 500 रुपए पता चली कमा के लाए रस्तों में गुंडों ने छीन लिए, मारा अलग ब्याज में, तो बिल्कुल बिल्कुल पैसे अलग चले गए मेहनत करके, और मारा ब्याज में पिटके आए लंगड़ाते हुए, पट्टी काई कराएंगे पैसे पहले ही छीन लिए तो, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अब आदमी अपनी मजदूरी करके लाता है, घर तक सबके पैसे पहुंचते हैं, गुंडे रास्ते में छीनते हैं भाइयों, सबके पैसे पहुंचते हैं, पहले लोग सैलरी की घाट लगी जैसे सैलरी मिलेगी, छीन लो साले रस्ते में, रस्ते तक लोग अपने घर तक नहीं पहुंचते थे, रस्ते में नहीं छीन लेते पूछो भाई, ये बताओ अभी अभी अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक बात ये कह दी थी कि जब 27 में सरकार बदल जाएगी पलट जाएगी सारे बुलडोजर हम गोरखपुर भेज दें, तो हुआ कहाँ ऐसा, 27 की बात कर रहे हैं भैया, 27 में ऐसा नहीं होने वाला है, सुनो ऐसा नहीं होने वाला है, अब आगे तो ऐसे ऐसे लोगों ने क्या क्या कहा कि हम ऐसा कर देंगे हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वो लोग ही नहीं रहे, लोग ही नहीं रहे, ऐसे तो हर कोई कहता है, अगर हम भी हमसे कहते हमें आबाद का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुम्हारा नक्शा बदल जाएंगे, तुम्हारी कोठी बनवा देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग बनवा देंगे, पब्लिक उतना फायदा करवा देंगे, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, हमें कोई प्रधानमंत्री बना देगा। पाठक जी ये बताओ योगी आदित्यनाथ में क्या खास बात है जिसको पूरा देश पसंद करता है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2 योजनाओं से उनको पसंद किया, और अब तीसरी बार भी आप कह रहे हैं कि 27 में भी हम उनको पसंद करेंगे, क्या खासियत उनके अंदर है? मेन खासियत योगी जी के अंदर ये लगी सुरक्षा मुद्दा, वो आज माताएं बहनें हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया सुरक्षा मुद्दा, हर कोई चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। अच्छा क्या अखिलेश की सरकार में सुरक्षा नहीं थी? नहीं 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 थी, देखो और चारों तरफ से पूछ लो, हमारे कहने से क्या, हम अकेले कोई बैल बोलने थोड़ी हो जाएगा, अखिलेश यादव के जमाने में तो लाइट भी नहीं थी, नहीं कहाँ थी, अगर लाइट खराब होने के बाद में महीने महीने गुजर जाते थे गाँव में, आज क्या आज की स्थिति ये है, 22 घंटे लाइट आती है, 22 घंटे स्टूडेंट के लाइफ में, जिस यूपी पुलिस की भर्ती आई यहाँ पे 64,000 बच्चों के लिए भर्ती आई थी, अभी तक ऐसी भर्ती ना आई है ना आएगी आगे, अब फिर इसने फिर एग्जाम की डेट दे दी है, फिर 1 लाख पोस्ट अवेलेबल, 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है आगे 2 सालों में, और नौकरी देंगे और देते रहेंगे, उन्होंने वादा किया है, भरोसा है, अभी 60,244 भर्ती आई थी पुलिस की, यूपी पुलिस की जी हाँ, तो वो नौकरी देते रहेंगे भविष्य में, युवाओं को ऊंची ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का काम किया और ले जाते रहेंगे, उन्होंने 2 लाख नौकरी और सरकारी नौकरी देने का वादा 2 साल में और दिया है। अखिलेश जी कहते हैं कि भाई जो रोजगार हमारी सरकार में दिए गए वो ज्यादा रोजगार दिए गए थे, आज योगी सरकार में बहुत कम रोजगार दिए, वो पैसों से रोजगार दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो मेहनत करेगा हाँ योग्यता, यहाँ पर जो जितना मेहनत करेगा उतना पैसा उतना उसे नौकरी मिलेगी, और क्या तस्वीर बदली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, अच्छी अच्छी स्थिति रही 2027 में, वो भी वही आएंगे, और जो 10 सीटों में जो उपचुनाव होने वाले हैं जो उसमें भी अपना अच्छा योगदान देंगे योगी जी मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, हाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भाई एक बात बताओ, जैसे अभी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें पाई लोकसभा के चुनाव में, तो वो भी पार्टी कॉन्फिडेंस में है कि हम जीत जाएंगे? वो गठबंधन से पाई गई, हाँ गठबंधन से पाई गई, लेकिन अकेले लड़के दिखाएं, अगर उनमें दम है तो अकेले लड़के दिखाएं, अगर अकेले भी लड़ लेंगे भाई, अखिलेश यादव को डर क्या, ज्यादा तभी तो वो गठबंधन करते हैं, डर है, किस चीज का डर है उनके पास, पता नहीं किस चीज का डर है, वो जब भी तो गठबंधन करते हैं वो जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। मतलब योगी के सामने अखिलेश यादव हल्के हैं, बहुत हल्के हैं, मैं तो कहता हूँ योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या बात कर रहे हैं जी, और बनेंगे, वो बनेंगे, दिल्ली भी आएंगे, लखनऊ से दिल्ली भी आएंगे, वो बाबा दिल्ली को चलाएंगे, दिल्ली की गद्दी में बैठ जाएंगे, अच्छे बैठेंगे,
लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अब यूपी की गद्दी नहीं संभल रही, दिल्ली क्या संभाल। अरे यूपी वो तो अखिलेश जी तो कहते रहते हैं, उनका काम ही है ये कहना, लेकिन लेकिन वो दिल्ली आएंगे एक दिन, जरूर आएंगे। वो अच्छी व्यवस्था, शासन शिक्षा व्यवस्था भी उन्होंने अच्छी कर रखी है। सर जी ये बताओ, अगर घर में आप 12 यूनिट है, ठीक है, अखिलेश यादव कह, एक मिनट, अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये नौकरी नहीं दे रहे, ठीक है, अगर घर में 12 यूनिट है तो 12 यूनिट को नौकरी मिल नहीं रही है, ठीक है, संभव भी नहीं है कि 12 है कि नहीं है। अगर एक आदमी को नौकरी मिल रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या लगता है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो अच्छी होती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।